अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो जी हम आज आए हैं 3 दिनों बाद ब्लॉग बनाने। हम नहीं, मैं तो नहीं, ये हम कहने की आदत बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है मुझे बचपन से। तो मैं 3 दिन बाद आई ब्लॉग बनाने, और आपको पता बारिश भी हुई थी परसों, लेकिन इतनी तेज़ नहीं हुई थी कि टेक्सचर सारे खड़ा। हाँ, लेकिन कंटिन्यूसली 2 मिनट तक होती रही है, लेकिन इतनी उससे जब बारिश हो रही थी ना, उस टाइम शेप सारी खुली हुई थी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई थी कि मैं इनको बंद करूं, क्योंकि इतनी ठंडी हवा भी चल रही थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का टेक्सचर बच गया, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी कि बस जैसे एक ड्रिजलिंग होती ना, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी शावर रेन उस तरह की हुई, लेकिन जस्ट 2 मिनट के लिए। खैर आप सब बताएं, आप सब कैसे? एक तो मेरे मुँह में ऐसे जैसे आप कैसे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, जब बारिश का मैंने देखा ना सीन ऑन हो गया, तो मैंने ना फिर यहाँ से जो शेप्स पड़ी थी ना येलो ग्रीनी सैंड की, उनको उठा के इधर रख दिया, और जो केक्स पड़े थे उनको साइड पे रखा, और शेप्स टूटी भी थी, काफ़ी सारी टूटी थी। ये देखिए, आपको टूटी शेप्स नज़र आ रही होंगी, ये यहाँ पर मैंने उठा के रख दी थी। यानी रिजल्ट में क्या मौत पड़ जाती है। खैर, फिर मैंने उस दिन जो रेड ग्रिटी की शेप्स बनाई थी, शायद मैंने दिखाई थी नहीं, मेरे ब्लॉग है आज बना रही थी, मैंने क्या दिखाना था आपको, ये बनाई थी शेप्स। और मैंने एक ज़रा और मैंने रेड डर्ट की शेप्स बनाई थी, यही वाली, ये चकन जो कैन चकन आना है, चकन आना है। आप देख सकते हैं कितनी गंदी लग रही है। खैर छोड़े इस बात को, ये तो मेरा पुराना मुहावरा, रेड डर्ट की शक्ल देख के मैं कहती हूँ कितनी गंदी लग रही है। और ये देखिए, जितनी जिन क्रमली की थी उसकी मैंने ये मिनी मग्स बना दिए थे, ठीक हो गया। तो भाई ये है जी वर्कलेस की कुछ सूरत हाल, ये देखें टेक्सचर्स ये देखें। अब मेरा ना दिल चाहता है कि ना मैं ना कुछ फ्रेश, पता नहीं रिज़ल्ट मुझे क्यों डर लगता है, ये पता नहीं मोबाइल के अंदर कोई ऐसा सीन आ चुका हुआ है। खैर ये देखें रेड सैंड उस दिन की ऐसे की ऐसे करी। हाँ, अभी मैं प्योर सैंड की शेप्स उठा रही थी, एक शेप टूट गई, मैंने कहा इसका मतलब बाजी ये उठा लेके कभी काबिल नहीं है, इनको ज़रा सा हाथ लगा रहे तो ये टूट रही है, तो मैंने फिर इनको नहीं उठाया। एक दिन और बस दीद देती हूँ इनको, अगर सेट हो गए तो फिर उठा के इनको इधर रख दूँगी। और ये है जी सैंड सीमेंट के केक जो मैंने उठा के इधर रखे हैं। अभी मैं वीडियो बनाने लगी थी, सोचा कि पहले वर्कप्लेस की अपडेट दे दूँ। मुड़ी आसमान ने रेड रेड के लड्डू थे, कितने प्यारे बनाए हुए, और उसकी बाकी टेक्सचर की शक्ल देखें। ये जो मैंने उस दिन ग्रिटी सैंड वाइट ग्रीनी सैंड की वीडियो बनाई थी ना, मैंने उसके दिन ही ना एक ही वीडियो बनाई थी, और इतना शॉर्ट था ना मेरे से वो वीडियो बनाने के दौरान, इतना मुझे रुकना पड़ रहा था ना, मैंने कहा कि एक ही वीडियो बड़ी मुश्किल से बनी है। और उसमें एक सब्सक्राइबर ने आपने कहा था, आप आके कहा था कि आपने मिक्सिंग नहीं सही की है लास्ट में, तो वो यही रीज़न था कि इतनी शॉर्ट, ऐसे कोई चीज़ की ज़रब लगने से एक आवाज़ आती है ना, इतनी बुरी आवाज़ आ रही थी ना, अगर मैं व्लॉग बनाती ना उस दिन, तो मे भी मैं वो पार्ट शेयर कर देती कि कितना शॉर्ट था लास्ट वाले पार्ट में जब मैं पोरिंग कर रही थी, ठीक है। तो मैंने फिर ये केक्स बनाए थे, और ये प्योर सिमर जो है मैं उसको रखा था, रख के मैंने कहा कि इसकी क्रशिंग कर दूँगी, बट लगता नहीं क्रशिंग हो पाएगी क्योंकि पीछे टाइम बहुत थोड़ा है। खैर, तो क्या करने लगी थी मैं, वीडियो भी लगी थी। और ये अगर बॉल्स ड्राई हो ना तो इसकी व्लॉग में क्रम्बलिंग करेंगे, और थोड़ी सी ये जो डर्ट पड़ी है ना इसकी भी क्रम्बलिंग करेंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी वीडियो बना देती हूँ, ब्लैक डर्ट की, एंड इसकी बना देती हूँ, और एक मैं उसकी बना देती हूँ प्योर जो डर्ट है रीयूज सीमेंट उसकी बना देती हूँ। तो ठीक है, जल्दी से वीडियो बना लें, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ऑल राइट, तो आपने साथ रहना मेरे एंड तक ब्लॉग के। अच्छा जी, वीडियो तो बनाने की थी मैं ब्लैक डर्ट की, जब मैंने देखा कि ये डर्ट ड्राई है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना देती हूँ।
चले जी, ये हो गया। इतनी मुश्किल से मिक्स हुआ है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत हैवी टेक्सचर है ये। खैर, व्लॉग बनाते हैं, मैं एक ही वीडियो बना सकी हूँ। आप पीछे 15-20 मिनट उसमें व्लॉग बना लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे बाकी टेक्सचर्स की क्रमलिंग के साथ इंशाल्लाह। ये बॉल्स बना के रखे हुए थे यूनिक है स्मॉल ने, ये देखिए इसकी क्रमलिंग करते हैं, ठीक है। बहुत डस्टी लग रहे हैं, मैं ज़रा कवर कर लूँ उनको। ये देखिए मेरे को थोड़े चंक्स भी जो है उसके ड्राई हुए हैं, उनके भी करते हैं, और जो बॉल्स बने उनके भी करते हैं, क्योंकि इनका बहुत छींक आई, कुछ 20-30 छींक आई है मुझे। ये नए ये देखिए इसका कलर, जो ड्राई है वो बहुत सॉफ्ट है। वेट में सर आगे रख लो, मर्ट का टेक्सचर अभी तक ड्राई नहीं हुआ, अभी तक गीला है। मैं आपको उसका एक पीस क्रम्बल करके दिखाती हूँ, जस्ट मैं आपको एक पीस क्रम्बल करके, मर्ट का टेक्सचर मर्ट वाला लग ही नहीं रहा है। तो कल मैं उसको डे लाइट में, जो ज़्यादा अच्छी रोशनी होगी ना, उसमें क्रम्बल करके दूँगी। जस्ट मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल डैम्प है, इवन कि लग नहीं रहा कैमरे में। डैम टेक्सचर जो होता है, थोड़ी ऐसी गुटलियाँ बनती है देखिए, बट ये टेक्सचर लग ही नहीं रहा कि ये ड्राई है। थोड़ी सी ना हम इसकी डैम क्रमिंग करते हैं, फिर थोड़ी सी हम उसकी करेंगे सॉफ्ट डर्ट की। ये वाइट यूनिसेन का डैम टेक्सचर है, छींकी मार मार के ना एनर्जी लेवल लो हो गया मेरा, एनर्जी। वेट अ मिनट, भी
थोड़ा सा और डैम टेक्सचर लेकर आती हूँ। देखे चलें थोड़ी सी ना सॉफ्ट ब्रेड की क्रमिंग करते हैं। दिस इज ब्रोकन पीसेस ऑफ प्योर डर्ट आर यू सीमेंट यू कैन चेक आउट दिस टेक्सचर ये सिर्फ सॉफ्ट डर्ट प्योर डर्ट कहती हूँ लेकिन ये है रीयू सीमेंट। और मैं मेंशन भी करती हूँ अपने टाइटल में कि ये रीयू सीमेंट है। तो ना बड़ी बड़ी शेपों से ज़्यादा क्रमलिंग करने में ना मज़ा आता है छोटे छोटे चंक्स चलते हैं क्योंकि वो आपकी इजी कैरी हो जल्दी भी क्रम्बल हो जाते हैं। ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि डैम्प है थोड़ा। इसकी स्मैशिंग कैसे करते हैं कैसे येलो ग्रेनी की करते हैं। वो शो हो गया के सैंड के ना कुछ मैंने वोकल शेप्स नहीं है डैम्प ही है थोड़ी सी ड्राई है थोड़ी सी डैम्प है लेकिन लग नहीं रही इस टाइम यार लेकिन मैंने कहा काट देती हूँ क्रमली। ठीक है ये देखिए कुछ हो गया स्टार्ट हुई है लोगों की शुरू हो गई है बाद में मिलते हैं।
बाद वो कबूल हो गई थी, और जो दो पीसेस बच गए तो उसकी मैंने कमिंग कर दी है। अब मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आज तो मैंने जस्ट छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, अब मुझे नहीं पता कितने मिनट का बनाया, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला मैं टाइम पे आके ब्लॉग बना लूँगी। और मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी रखूँगी इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।